नमस्कार, मैं हूं हरिओम द्विवेदी और हमारा चुनावी यात्रा चुनावी सफर जारी है NH0 के साथ। तो आज हम पहुंचे हैं माता चंद्रिका देवी के दरबार में। आप देख रहे होंगे हमारे चारों तरफ ये दुकानें सजी हुई हैं। हालांकि अभी इस बार नवरात्र अभी आने में थोड़ा वक्त है, पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं, इसलिए यहाँ सन्नाटा है। वरना यहाँ का जो भीड़ है, यहाँ का माहौल भी किसी चुनावी माहौल से कम नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है। तो हमसे बात करने के लिए यहाँ तमाम लोग हैं जो मंदिर में दुकान लगाते हैं, इन लोग से भी जानना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप यूपी चुनाव की बात करें और मंदिर और धर्म की बात ना करें तो फिर वो अधूरा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप राहो। संदीप राहो, पूछ रहे आप इधर ही सारा कर रहे हो? अरे उनसे बात नहीं, हम आपसे बात करेंगे। आप बताओ, मसाला खाए तो बात नहीं करोगे क्या? आप इधर आओ। क्या नाम है आपका? रोहित श्रीवास्तव। रोहित श्रीवास्तव जी, क्या नाम, आप क्या करते हो जी? अभी शॉप पे वर्क कर रहे हैं। शॉप पर वर्क कर, क्या शॉप है? कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक दुकान लगा रहे हो ना जी? तो आप ही बताओ, अगला चुनाव आने वाला है, अब मौका आ गया आपको फिर से अपना मुख्यमंत्री चुनने का, अपना विधायक चुनने का। तो इस बार क्या पोजीशन है, किसे वोट दोगे आप? बीजेपी। क्यों? बीजेपी जैसा नेता जो योगी है, उसके टक्कर का कोई है? योगी के टक्कर कोई नेता नहीं। भाई साहब आप आगे आ जाइए, योगी के टक्कर का नेता कोई है नहीं, श्रीवास्तव जी बता रहे हैं। आप पहले अपना नाम बता दीजिए, फिर इसमें बताइए। मैं अंशुमान वाजपेयी जी, और जो है मैं इससे यही बताना चाहूंगा कि यदि मोदी और योगी ना होते तो आज हमारे जो है हिंदुत्व का सबसे बड़ा मंदिर है, पावन पर्व हम लोग अयोध्या मानते हैं, तो आज जो मंदिर बन रहा वो मंदिर नहीं बनता। हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे बलिदान दिए, और अगर राज्य में केंद्र सरकार चाहे जिसकी हो, जब तक राज्य सरकार सहयोग नहीं करती है तब तक आप कोई भी काम को सुव्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकते हैं। वो चाहे 370 धारा की बात करें, कश्मीर की बात करें, चाहे यूपी चुनाव की बात करें। और यूपी चुनाव में अब ये समझे कि अगर नेतृत्व अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ का नेतृत्व अच्छा है, तो 5 साल हो गए, 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ हमारे उत्तर प्रदेश में, तो ये हमें सबसे ज्यादा खुशी है और हमें गर्व है कि हमें उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ है। योगी जैसा मुख्यमंत्री आपको चाहिए। तो अगर आप इस बार आप वोट तो डालते होंगे ना? जी बिल्कुल डालते हैं। इस बार वोट किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट देंगे। आप सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आप लोग प्लीज इधर आइए, कैमरे पीछे को खड़ा है, यहाँ तमाम लोग हम देख रहे हैं जो हमारे कैमरे पीछे छोड़े। अभिषेक से मैं बात करूँ, क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है बताओ, नाम बताओ, नाम ये बताओ, ये आप बताओ क्या नाम है आपका? पंकज यादव। पंकज यादव जी, क्या हाल है भाई? बढ़िया है। वोट डालोगे इस बार? डालेंगे। यादव जी किसको वोट दोगे आप? भाई अब तो अखिलेश यादव। अखिलेश वोट क्यों दोगे? यादव है भाई। नहीं, सिर्फ यादव है इसलिए वोट? कोई कारण, उनका काम पसंद आया या कुछ? काम हमें कोई, सब ठीक है। जो उम्र कितनी है आपकी? 20। इस बार आप तो वोट डालने के लिए वैलिड हो ना, यानी इसका मतलब 5 साल बाद पहली बार आप जो है, मतलब पहली बार आप जो विधानसभा चुनाव डालो में वोट डालोगे जी, तो इस बार वोट किसको दे दिया? बीजेपी। क्यों? बीजेपी को वोट इसलिए देंगे कि हमारे भारत में धीरे धीरे जो हिंदुत्व का मुद्दा था वो खत्म होता जा रहा था, और मुस्लिम वर्ग को सपा सरकार मुस्लिम वर्ग को बढ़ावा देती थी, इसीलिए जब से योगी सरकार आई है हम लोग हिंदुत्व में एकजुट हो चुके हैं, और हम सरकार के सारी गतिविधियों को धीरे धीरे जान चुके हैं। आप विकास पर नहीं, आप हिंदुत्व की बात करोगे, आप वोट हिंदुत्व के आधार पर देंगे जी। आप बताइए। मेरा नाम संदीप साहू जी। साहू जी जी, आप वोट किसे देंगे? बीजेपी। क्यों? मेरा पहली बार वोट आया, मैं बीजेपी को दूंगा। मैं मोदी को दूंगा बस। मोदी तो नहीं, आप तो इस बार मुख्यमंत्री चुनेंगे। मुख्यमंत्री चुनना है तो ये योगी कोड देंगे जी। यहाँ हम देख रहे हैं मंदिर में तो आए हैं, यहाँ पर तमाम लोग, आज सिर्फ मैक्सिमम दुकानदार हैं, लेकिन सारे लोग कैमरे के पीछे भाग जाते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। वाजपेयी जी ऐसा क्यों हो रहा है? बात यह है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे जो लेबर वर्क ज्यादा है, तो इसलिए वो लोग थोड़ा पीछे हो जाते हैं। नहीं, आप बात तो सबको उठानी पड़ेगी। नहीं, बात सबको उठानी पड़ेगी, ऐसा नहीं, ऐसा है। और हम चाहते हैं कि जो है हमारे जो छोटे मोटे बच्चे हैं ये भी आगे आएं, और जो है अपना मत किसको देना है और कैसे अपने अधिकार करना है, ये हमारे चाचा जी हैं। आपके चाचा जी तो हमारे भी चाचा जी, वाजपेयी जी। हाँ, आप बताइए, इस बार चुनावी माहौल फिर से गरमाने लगा है, हम लोग भी चुनावी यात्रा के तहत आगे चले हैं, तो आप अभी आपके हम पूरा क्षेत्र का दौरा करते हुए आए हैं, तो इस बार आप बताइए, आप वोट किसको लगता है, क्या क्या लग रहा है इस बार? भाजपा जी थी, भाजपा जी। क्यों? माहौल कैसा है आप? माहौल का योगी जी सब काम कह रहे हैं, काम कैसा काम कर रहे हैं? हम तो तमाम जगह भी गए, काम कुछ नहीं, लेकिन वोट भाजपा ही दे रहा हूँ। पंडित जी देखो, पंडित वादा भी पंडित वादा भी एक भाई साहब यहाँ से यादव, तो कह रहे थे हम तो यादव है, तो यादव को वोट देंगे, तो यादव को देना। भाजपा
काम तो कह रही है। आपको ये काम बताइए जो मतलब जो योगी सबसे बढ़िया काम, सबसे बढ़िया गुंडा राज सब खत्म है। काम ये है लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ऑर्डर बहुत ही अच्छा है। और ये समझिए कि आज जो दंगाई थे, जो बहुत बड़े अपने आप को माफिया समझते थे, वो जमानत लेने से डर रहे हैं कि हमको, मुख्तार अंसारी की अगर मैं बात करूं तो चाह रहे हैं कि हमको जमानत ना लेनी पड़े, मैं जेल में ही रहूं। तो ये सारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो ये सारे मुद्दे बहुत अच्छे हैं और इन पे योगी जी हमेशा खड़े उतरे हैं 100%। कोई एक चीज बताओ जो आप सरकार को सलाह देना चाहते, ये काम कर लें तो और सोने सुहागा हो जाएगा। आप ही बताओ कोई एक ऐसी चीज बताओ जो अगर सरकार ये काम कर ले तो सोने सुहागा हो जाएगा। बेनामी संपत्ति का अगर ये जो है हमारे संविधान में भी है और ये कांग्रेस के राज से तब से ये पास है, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया जा रहा। अगर बेनामी संपत्ति लागू हो जाए कानून, तब ये है बहुत ही जो गरीब तबका है तो वो भी, उसको भी काफी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे अमीर लोग हैं जो गरीबों के नाम प्रॉपर्टी किए हुए हैं, तो इससे ये होगा कि बहुत ही उनको भी अच्छा मौका मिलेगा आगे आने का। तो मैं सोच रहा हूँ बेनामी संपत्ति का कानून जो है वो लागू हो जाए। क्या नाम भैया आपका? अखिलेश पांडे। अखिलेश पांडे जी, मसाला आप बहुत खा रहे हो, यहाँ देख रहे बस्ती तालाब एरिया में लोग मसाला बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मसाला बहुत खाते हो, अब छोड़ोगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? अखिलेश पांडे। पांडे जी क्या करते हो? कुछ नहीं, यही दुकान है सर जी। काहे की दुकान है? यही प्रसाद की। प्रसाद की दुकान लगा जी। तो इस बार आपका वोट रूपी प्रसाद किसे मिलेगा? अब बताइए एक चीज, अब सबको लेकर आ रही हो तो मंदिर कहाँ है योगी जी का? और देखने की कोई मतलब नहीं। आप देखो नहीं, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं। एक मिनट, कठवारा है, मंदिर आवक की लॉकडाउन लगा रहा है, लॉकडाउन लगा रहा है, लेकिन मंदिर आवक की रहा है। नहीं मंदिर बंद पूरे हो गया, कहूँ या मंदिर आए उस टाइम मंदिर पे लोगों की डिमांड है कि वोट, लोगों का कहना है यहाँ पर वोट तो हम बीजेपी को ही देंगे, लेकिन योगी जी को भी यहाँ पर आना चाहिए था। हाँ जी, योगी आप देखा तो मंदिर का विकास बढ़ी जब ये तो आप बताओ फिर, आपने बताया वोट किसको देंगे तो बताओ ना, समाजवादी समाओ नहीं उसमें क्या अपना? नहीं बात शर्माने की नहीं, ये बताओ दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। किसको? जिसका कारोबार अच्छा रहेगा उसको सपोर्ट। आपका वोट तो बना है जी। कितनी उम्र हो गई? मेरी 25। अरे तब तो आप दूसरी बार वोट करोगे? पहले नहीं दिए थे। अच्छा, पहली बार आपकी किसका खाता खोलो, किसे प्रसाद दोगे आप? बीजेपी को दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। अच्छा, पीछे पंडित जी आइए, आप आगे आइए, भाई आम बात है, बीजेपी जो कार्य करेगा भाई, आम बात है भाई, जो कार्य करेगा। हम तो आपके गांव, ये कौन सा गांव था? कठवारा। कठवारा मल्लाहान पुरवा उधर गए, मल्लाहान खेड़ा, वहाँ लोग बोले कि भैया गांव विकास तो 1% नहीं हुआ है, सब जैसी तैसी स्थिति है, लेकिन वोट हम बीजेपी को देंगे। तो हमारे यही नहीं समझ आ रहा कि ऐसा कैसे, काहे नहीं देंगे भाई? देखो, जो किसान थे अभी भी, जो पहले तो कोई कार्य नहीं होता था किसानों का, कोई खाली जो हमारे जैसे इनके डीएपी यूरिया लाइन लग के मिलती नहीं थी। जाओ पांच साल पहले का जाओ, 10 साल पहले का चले जाए। सिलेंडर क्या बात करें, सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का बात करें, महंगा हो गया, महंगा होने दे, महंगा होने से ये महंगा तो सऊदी घर आ तो रहा भाई साहब। अफगानिस्तान में 37 रुपए लीटर पेट्रोल है, ये बताइए वहाँ अफगानिस्तान में पेट्रोल लेने वाला कोई है? वहाँ तालिबान कब्जा हो गया। फिर आप इससे क्या कहें, इस कोर्ट का मतलब? इस कोर्ट का मतलब ये है कि नेतृत्व हमारा अच्छा रहे, हम एक टाइम भूखे रह लेंगे, लेकिन अपने राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम राष्ट्रवादी जो हमारी पार्टी है उसको ही वोट करेंगे। ओके, आप हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर ही वोट करेंगे जी? आप सभी लोग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर वोट करेंगे। तो हमारे साथ ये तमाम लोग जुड़े जिनका कहना कि हम एक टाइम भूखे रह लेंगे, लेकिन हम वोट सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को ही केंद्र में रखकर देंगे। इस बीच हमारे साथ एक दादाजी आ गए। दादा क्या नाम है आपका? योगी नंदन जी, आप वोट इस बार किसको देंगे? भाजपा को। क्यों? हिंदुत्व के नाम पर। हिंदुत्व के नाम? और कोई, आपके बच्चे कितने हैं? क्या करता है? घर पर रहता है, खेती किसानी करता है। कितना पढ़ा लिखा है वो? कुछ हाई स्कूल पास है। तो उसके भविष्य के लिए या आपके गांव क्या हाल, गांव विकास, आपको किसान भी हो क्या? आपको किसान सम्मान निधि वाला पैसा मिल रहा है? सरकार के कोई दो काम बताओ जो आपको बहुत अच्छे लगे है? सरकार के कोई दो काम बताइए जो आपको बहुत अच्छे लगे। इधर देखिए, ऐसा है मेन जी, तो हमको हिंदुत्व बहुत अच्छा है, जो हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व की रक्षा हो रही है। अच्छा। हाँ? और जो है किसान सम्मान निधि है, राशन है, ये सब व्यवस्थाएं जो है गवर्नमेंट की जो है
किसान सम्मान निधि और किसान सम्मान निधि राशन कार्ड ये सब हाँ ये सब बहुत संतुष्ट है। एक और हमारे साथ दादा आगे, दादा क्या नाम आपका? हमारा नाम देवकी नंदन गुप्ता। देवकी नंदन गुप्ता जी, देवकी नंदन जी आप भी जैसा जी? हाँ देवकी नंदन पांडे लोधी। अच्छा देवकी नंदन दोनों लोग, अब एक तो कह रहे हैं बीजेपी देंगे, हिंदुत्व के आधार पर देंगे, आप वोट किसको देंगे? हम भी बीजेपी देंगे। अरे बहुत काफी विकास हुआ हमारे यहाँ, जैसे विद्युतीकरण हमारे गांव में एक खंभा लगने के। कौन सा गांव है आपका? उतरेहटा माल गहदो। अच्छा गहदो, गहदो नहीं लखनऊ, लखनऊ लखनऊ मलियावा तहसील थाना माल। अच्छा तो आप क्या काफी डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हाँ, तो आप उसी विकास के आधार पर वोट दोगे? जी हाँ। हिंदुत्व या विकास? हिंदुत्व विकास पे दोनों पे, दोनों पर वोट देंगे। जी हाँ। तो तमाम लोग हैं, आज हम माता चंद्रिका देवी के दरबार में आए हैं और यहाँ पर निश्चित तौर पर ये सभी लोग ऐसे हैं जो रोजाना कम से कम सैकड़ों लोगों से मिलते रहते हैं और इनकी भी अपनी राय है लोगों से। ठीक है तो फिर आज भाई साहब क्या नाम आपका? जी इंदर कुमार नाम है हमारा। इंदर कुमार जी क्या करते हो आप? ये बहुत अच्छा काम करते हैं, कारीगर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं मिठाई का, बहुत बढ़िया काम करते हैं मिठाई का। मिठाई किसको खिलाओगे इस बार? कौन सी पार्टी को? योगी जी को खिलाएंगे सर। क्यों? वो अच्छे हैं, उनके वो काम उनके अच्छे हैं, लेकिन उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हीं की वजह से यहाँ कुछ हो नहीं पाता है सर। अच्छा ठीक है, वो तो अच्छे हैं, लेकिन मेजर बात ये कि ऊपर वाले से सब खुश हैं, जो बीच में मध्यस्थ हैं वो बहुत ज्यादा नाराजगी है। ये तीन सर जी, हम लोग तीन बार से वोट दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो है वो बेकार करे, हमारे तहसील के हैं वो कुछ काम नहीं कराते हैं सर, लेकिन वहाँ तो आप लोग आवाज आप लोग कहाँ कहाँ आप बात उठाते हो क्या? बात तो उठाते हैं जी, हम लोग गरीब मजदूर हैं तो मतलब टाइम ही नहीं मिलता है। अरे नहीं नहीं, आप तो थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालना पड़ेगा, आपके इलेक्शन है तो आपके इलेक्शन आएगा तो आप वोट देने से पहले मांगो। काम नहीं करने आएंगे तो खाएंगे क्या ये बताइए आप? इस बार काम चला लॉकडाउन में आपका? नहीं काम तो बिल्कुल नहीं चला सर जी, तब भी सही है, लेकिन कुछ यहाँ जो बात गाँव ग्राम के लोग हैं ये काम खराब कर रहे हैं सर जी। ओके।